फाइनली हम पहुंच गए गंडोला के पास। आप देख सकते हो ये गंडोला है, यहीं से अब हम चढ़ेंगे अफरवट की तरफ। आप देख सकते हो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको सेहत व सलामत रखे। वेलकम बैक अगेन चैनल। जो चैनल पर नया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया। तो जी गाइस, इस टाइम बज गए 8। पहले हम फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। करता हूँ आज का प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। गाइस फाइनली हम रेडी हो गए और जो कि अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। हमको जाना है अफरवट। तो गाइस अभी हम निकल गए हट से, देख सकते हो हम उस हट में जो कि रात भर थे। देख सकते हो भाई खूबसूरती कितनी है। तो गाइस हम बढ़ते हैं अफरवट की तरफ, आप व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। गाइस निकल गए हम गंडोला की तरफ, आप देख सकते हो जो कि ये रोड गंडोला की तरफ जाता है और बहुत सारे होटल्स इस साइड पर आते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप इस साइड ये कि गोल्फ कोर्स कितना बड़ा है। एशिया का नंबर 1 गोल्फ कोर्स है गुलमर्ग में और वर्ल्ड का नंबर 2 पर आता है गोल्फ कोर्स गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स। गाइस ये देख सकते हैं आप कोरा ग्रीन वो रहा होटल हिलटॉप। तो गाइस हम नज़दीक पहुंच गए गंडोला के, देख सकते हो भाई टीवी कार्स वाले हो रहे रहा। फाइनली हम पहुंच गए गंडोला के पहले स्टॉप पर जहां से गंडोला स्टार्ट होता है और यहीं पे गंडोला की राइड जो कि ख़त्म होती है। तो जाए तो गाइस चले अब हम अंदर की तरफ बढ़ गए। फाइनली हम पहुंच गए गंडोला के पास। आप देख सकते हो ये गंडोला है, यहीं से अब हम चढ़ेंगे अफरवट की तरफ। आप देख सकते हो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। गाइस फाइनली निकल गया गंडोला, आप देख सकते हो। फाइनली हम पहुंच गए फेज 1 पर, आप देख सकते हो अभी हम फेज 2 पर जाएंगे। ये रहा नंबर 2nd फेज गुलमर्ग का, ये देख सकते हो आप। हम इस टाइम अफरवट पीक पे, आप देख सकते हो यहाँ से आपको सारा जो कि नज़ारा नज़र आएगा गुलमर्ग का नीचे से। मगर इस टाइम जो कि फॉग है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। अभी हम जाएंगे उस साइड, अभी आपको दिखाएंगे थोड़े माउंटेंस, थोड़ा बर्फ़। ऐसा आप देख सकते हो खूबसूरती अफरवट की यहाँ पर जो कि इस समय बहुत ही ठंड है। देख सकते हो आप वो माउंटेन और वो रहा इंडिया का फ्लैग। आप देख सकते हो गुलमर्ग की खूबसूरती। हम इस टाइम अफरवट पीक पे, आप देख सकते हो माउंटेन अभी कितना सारा बर्फ़ है वहाँ पर मौजूद, वो देख सकते हो इंडिया का फ्लैग। और मगर बदकिस्मती से जो कि आज फॉग है इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। गाइस मैं इस टाइम हूँ बराबर अफरवट के पीक पे, ये देख सकते हो मेरे पीछे माउंटेन है, अभी भी थोड़ा बर्फ़ वहाँ पर मौजूद है। तो गाइस यहाँ पर सर्दी भी बहुत है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो या आने का इरादा है तो प्लीज़ यहाँ पर आप स्वेटर ज़रूर साथ लाना या एक जैकेट। देख सकते हो भाई आपको नज़र साफ क्लियर नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा फॉग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बर्फ़ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है कहीं पर मौजूद, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको वो माउंटेन आपको क्लियर दिखाऊँगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आगे तक। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े स्टोन्स आपको नज़र आएंगे और खूबसूरती दिल ही लेती है यहाँ की। आपको जो कि माउंटेन क्लियर दिखाऊंगा जूम करने की कोशिश। आप देख सकते हो बर्फ़, थोड़ा सा आपको पानी भी नज़र आएगा वहाँ से। देख सकते हो बर्फ़ कहाँ पे मौजूद है, देख सकते हो कैंप के नज़दीक बर्फ़ है और इस साइड पर भी बर्फ़ आपको नज़र आएगा। देख सकते हो भाई। गाइस अब हम चल रहे ऊपर की तरफ जहां पर हमको बर्फ मिलेगा।
सकते हो गाइस यहाँ पर कितने सारे टूरिस्टर्स हैं और लोकल पीपल्स हैं यहाँ पर। फाइनली हम पहुँच गए बर्फ के नज़दीक। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बर्फ मौजूद है, लगभग 3-4 इंच तक बर्फ होगी यहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हो कितना ऊपर बर्फ है और यहाँ की खूबसूरती आप चेक करिए, मगर फॉग की वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, उसके लिए सॉरी। आ हूँ पैर से, फिर देख सकते हो भाई कितना बर्फ मौजूद है भाई। ओह गाइस बॉल बॉल बच गए फिसलने से। अब हम और ऊपर चढ़ेंगे, आप देख सकते हो कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ से। तो गाइस यहाँ से आपको पूरा नज़र आएगा, मगर सॉरी फॉर दैट, इस टाइम फॉग है इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब हम निकलेंगे घर की तरफ, अब अलविदा अलविदा कहने का टाइम आ गया। अपने अफरवट की खूबसूरती को अब हम जाएंगे यहाँ पर, अब हम गंडोला में जाएंगे नीचे तक। तो गाइस आप देख सकते हो हम इस टाइम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से अभी लगेंगे 10 मिनट फर्स्ट फेज तक। गाइस हम पहुँच गए फेज वन पर, आप देख सकते हो ये फेज वन है, तो जाना है अब उतरना है हमको नीचे। अब गाइस आप देख सकते हो ये जो आपको नज़र आएगा ये येलो कलर और ब्लू कलर त्रिपालों के नीचे, ये जो कि ATVs कार्स है जो कि विंटर्स में यहाँ पर चलते हैं, वो देख सकते हो यहाँ ये कंगडोरी है। और देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे जो कि लोकल पीपल्स और टूरिस्ट आते हैं, देख सकते हो आप वो केबल कार जा रहे हैं ऊपर अफरवट की तरफ। अब हम जाएंगे नीचे, आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो अब हम वापस आ गए। अब हम आ गए बूटा पथरी, आप देख सकते हो ये बूटा पथरी है, ये देख सकते हो खूबसूरत ब्रिज, और ये देख सकते हो खूबसूरत छोटा सा रिवर। मैं आपको अभी दिखाऊंगा करीब से, देख सकते हो भाई यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। वो रही हमारी फैमिली, मैं जूम करूंगा अभी, ये रही हमारी फैमिली, देख सकते हो भाई कितने सारे लोग हैं। ये देख सकते हो आप खूबसूरत रिवर छोटा सा, और ये मैं पहले करूँगा ट्राई। मैं इस वक्त हूँ जो कि थोड़ा थोड़ा छोटा सा रिवर है, आप देख सकते हो, और बहुत ठंडी पानी है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आ जाए एंजॉय करने के लिए, कुदरत देखने के लिए। ऐसे निकल गए हम घर की तरफ, अब हम रुकेंगे बाबरशी में। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं बूटा पथरे में। नहीं। 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 नहीं।